नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। जावंत रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। जावंत का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम जयवंती था। हनुमान की माता अंजना ने जावंत को अपना बड़ा भ्राता माना था, जिससे वह हनुमान के मामा बन गए थे। महाबली जावंत का शुमार उन गिने चुने प्रमाणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहां वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए जान लेते हैं इस कथा को। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार सत्रजित ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सेमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन जब श्री कृष्ण साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे, तो सत्रजित से मंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे वेट करने पहुंचे। उस मणि को देखकर कृष्ण ने सत्रजित से कहा कि तुम्हारे पास जो ये अलौकिक मणि है, इनका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसीलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। ये बात सुनकर सत्रजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चला गया। सत्रजित ने उस मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दी। वह मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। जिस स्थान पर वह मणि होती थी, वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्रजित का भाई सेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो अखेट के लिए वन में चला गया। वन में सेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिससे वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी लेकर चला गया। उस सिंह को ऋषिराज जामंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जावंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया, तो सत्रजित ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरी द्वारका में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वह नगर के प्रमुख यादवों के साथ लेकर रथ पर सवार हो सेमंतक मणि को खोजने के लिए निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहां निकट के सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के चिन्हों के सारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां पर रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो एक गुफा तक गए थे। जब वह उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जिसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। ये देखकर जावंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जावंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे, तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारकापुरी वापस आ गए। समस्त वृतांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करने हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जावंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठे और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जावंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जावंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंशी में अवतार लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे जावंत, तुमने मेरा राम अवतार किसमें रावण के वध को जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूँगा। अपने वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे ये युद्ध किया है। जावंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जावंती का विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण जावंती को साथ लेकर द्वारकापुरी पहुंचे। उनके वापस आने से द्वारकापुरी में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्रजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्रजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्रजित को वापस कर दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिल सकें। धन्यवाद।